राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल का 17वां मुकाबला खेला गया, जहां इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 175 रन बना दिए थे और यहां चेन्नई की टीम को लक्ष्य दिया 176 रनों का। हालांकि मैच में हुआ ये कि जब राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी आई थी तो उस बीच यशस्वी जायसवाल 10 रन बनाकर ही आउट हो गए थे और ये पहला झटका 11 रन के कुल स्कोर पर ही राजस्थान को लग चुका था। लेकिन जॉस बटलर और देवदत्त पडिक्कल ने पारी को संभाला, जहां दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हुई और यहां देवदत्त पडिक्कल ने 38 रन बनाए तो वहीं जॉस बटलर 52 रन बनाकर आउट हुए और फिर संजू सैमसन का बल्ला एक बार फिर से नहीं चला, वो 2 गेंदों में 0 रन पर पवेलियन लौटे। अब ये झटके लग जाने के बाद यहां अश्विन ने 30 तो वहीं सिमरन हेटमायर ने 30 रनों की पारी खेली। लेकिन दोस्तों यहां सिमरन हेटमायर की बदौलत राजस्थान की टीम 175 रन तक पहुंच पाने में कामयाब रही। अब चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी में जडेजा, देश पांडे और आकाश को 2 विकेट मिल गए थे और यहां पर जब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो चेन्नई की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे पारी की शुरुआत करने के लिए आए, जहां दोनों बल्लेबाजों ने बड़े शॉट खेलने की तो कोशिश की। लेकिन दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ 8 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन डेवन कॉनवे ने 50 रन की पारी खेली। अजिंक्य रहाणे 31, बाकी शिवम दुबे 8 रन बनाकर आउट हुए, मोइन अली ने 7 तो वही अंबती रायडू 1 रन। और ऐसे में जडेजा अब महेंद्र सिंह धोनी पर पूरा दारोमदार था मैच जिताने का और मैच जब अंतिम ओवर में जा पहुंचा तो संदीप शर्मा ने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से लास्ट ओवर करवाया। लेकिन दूसरी तरफ जडेजा और धोनी को 21 रन बनाने थे और यहां पर 2 छक्के भी लग चुके थे। मैच पूरी तरह से चेन्नई के काबू में था, लेकिन अंत में संदीप शर्मा ने बेहतरीन गेंदबाजी करवा के इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया और 3 रनों से राजस्थान रॉयल्स की टीम यह मुकाबला जीत गई। लेकिन